स्वागत है आपका HS टेक्निकल चैनल में। मतलब आज हम आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ कमांड्स देंगे जिससे आपके विंडो पे जो आप काम करते हैं वो बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको विंडोज R प्लस करना है। ये डायलॉग स्क्रीन रन प्रॉम्प्ट आपके सामने होगा, जहां आपको कमांड टाइप करना है थिंग वेरीफाई। जैसे ही आप इस कमांड को एंटर करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ आप इसको स्टार्ट करना है। ये कुछ प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेने के बाद ये आपके सिस्टम को चेक करके बता देगा कि जितने भी आपके क्रिटिकल फाइल्स हैं और डिजिटल सिग्नेचर हैं वो अप टू डेट है या नहीं। अगर यहाँ पे इसको कोई भी प्रॉब्लम मिलती है स्कैनिंग में, तो आपके पीसी में कोई भी तरह का वायरस या डिफेक्ट है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड से उसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये डायलॉग बॉक्स कम्प्लीट हो गया आपके सामने और ये सर्टिफिकेट रिजल्ट दिया इसने एंड नोट ए डिजिटल सिग्नेचर। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा तीन फाइल्स इसके पास है दूसरी ड्राइव में, तो हमें क्लोज करना है और एडवांस में जाके यहाँ पे आपको इसकी रिपोर्ट को सेव कर लेना। इसी तरह से दूसरी कमांड है MRT, ये भी विंडोज R दबाना है और आपको MRT पे सेव कर देना। जैसे आप MP4 में किसी भी तरह का कोई वायरस आया हुआ है तो ये डायलॉग बॉक्स पे नेक्स्ट करके फुल स्कैन करके आप पता लगा सकते हो कि आपके कंप्यूटर में किसी तरह का कोई वायरस या अटैक तो नहीं हुआ हुआ। अगर वो हुआ है तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए आपको पता लग जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आपकी क्लीनिंग बस कम्प्लीटली पता लग जाएगा कोई मालवेयर फंक्शन या मालवेयर अटैक आपके पीसी पर है या नहीं। जब आपको फ्री में एंटीवायरस मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जरूर करें। जब तक ये स्कैन हो रहा है हम आपको इससे नेक्स्ट भी एक प्रोसेस दिखा देते हैं। अगली कमांड है विंडोज R दबाएं और यहाँ लिखिए क्लीन MGR। ये आपसे पूछेगा कि आपने किस ड्राइव को क्लीन अप करना है, जैसे मुझे किसी ड्राइव करना है, क्योंकि हमारी जो SSD है वो भी C ड्राइव की होती है। आप देखा होगा आपके सी ड्राइव का स्पेस भर जाता है, तो यहाँ पे आप सभी टिक्स को लगा लीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे आप इन टिक्स को लगा रहे हैं तो आपका यहाँ पर आपके SSD में अननेसेसरी 127 MB का स्पेस ब्लॉक है। ये स्पेस हर PC में हम इसे क्लीन करते रहते हैं इसलिए बहुत कम आया। अगर आप अपने PC पे करोगे तो ये साइज ज़्यादा भी हो सकता है, इसको आप क्लीन अप सिस्टम कीजिए और ये स्पेस को आप हटा दीजिए, तो आपकी डिस्क क्लीन हो जाएगी। आपके SSD जितना स्पेस क्लीन रखेगी उतना ही आपके PC के वर्किंग के लिए बेटर है और अच्छा है, जहाँ से आप ड्राइव को क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। देखिए अभी क्लीनअप के बाद जैसे हमने क्लीनअप किया अब ये और भी डिटेल्स में क्लीनअप के लिए कह रही है सी टाइप OS के थ्रू। कुछ फाइलें 00 आ रही है जो इसने ऑलरेडी कर दिया है, पर अब पूरी डिटेल्स में कह रही है और करीबन 1.15 GB यानी कि 1.25 GB के आसपास हम सी ड्राइव को क्लीन अप कर लेंगे और जो अननेसेसरी फाइल्स है उनको हम डिलीट कर देंगे और इससे हमारी विंडो या हमारे एप्लीकेशन पे कोई भी फर्क या इफेक्ट नहीं आएगा। ये एक टेम्परेरी फाइलें होती है जो अननेसेसरी फाइल्स जिन्हें हम बोलते हैं जो PC के पास रहती है और हमारी सी ड्राइव को लॉक करके रिजर्व करके रखती है, जिससे हमें PC स्लो या ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर या ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो चलने का सामना करना पड़ता है। तो देखिए पहले हमने 127 MB के आसपास क्लीनअप किया था कंटेंट फाइलों को, नेक्स्ट स्टेप इसने अपने आप दिया और करीबन हमें 1.25 GB के आसपास डेटा को क्लीन करने के था। तो मेरी सी ड्राइव भी इस PC की जिसे हम रेगुलर क्लीन करते रहते हैं उसके बाद भी ये क्लीनअप के लिए कह रही है। तो ये हो गया हमारा क्लीनअप प्रोसेस। स्कैनिंग प्रोसेस जो मालवेयर डिटेक्शन है वो हमारा अभी तक चल रहा है, तो आप देख सकते हो कितनी फाइल्स हमारी स्कैन हो गई है, कोई भी फाइल अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है। इन्फेक्टेड है तो नेक्स्ट ये आपको बताएगा इसे क्लीनअप कैसे किया जाए। स्टार्ट टाइम 13.32 हम फुल PC को स्कैन कर रहे हैं, 13.32 में ये पूरा PC स्कैन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास एक और आपके लिए, जितने भी आपके PC में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको आप एक एक करके अपग्रेड करते हो, उसे करने की जरूरत नहीं है। आपको सर्च में जाना है, CMD को सर्च करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके CMD पे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन करेंगे तो आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको कमांड लगाना है winget upgrade।
जैसे आप इस कमांड को चलाएंगे तो ये आपके पीसी को एनालाइज करके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पीसी में डले हुए हैं वो दिखा देगी। तो यहाँ ये टर्मिनल कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं, तो इस कमांड को आपको परमिशन देनी है ताकि ये आपके सारे सोर्स एग्रीमेंट के जरिए चेक करें। तो देखिए हमारे पास एक एग्जैम्प नाम का सॉफ्टवेयर डला हुआ है, एक डेल कमांड नाम का सॉफ्टवेयर डला हुआ है, एक एनी डेस्क है, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इनके वर्जन दिखा रहा है 8.20 मेरे पास है। अब हम एक एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड ना करके इस कमांड के जरिए ये देखिए 8.2212 ये 5 वर्जन का है डेल का, ये 5.3.0 है, 8 है ये 8.12 हो रहा है। तो इस तरह से सारे अपग्रेड आप वन शॉट कर सकते हैं। अभी तक इस कमांड ने मेरे पीसी 7 ऐसे सॉफ्टवेयर डिटेक्ट किए हैं जिनके वर्जन एक्चुअल वर्जन से डाउनग्रेड है। तो नेक्स्ट इस कमांड को दोबारा लगाना है, देखने के बाद दो बार माइनस का निशान और आर लिख देना है, तो इन सभी सॉफ्टवेयर को ये अपग्रेड करना शुरू कर देगा। तो आज इस फाइल्स में हमने आपको कुछ कमांड्स दिखाई, एक स्कैनिंग का, और ये देखिए इसने अभी तक जैसे ब्लैक स्क्रीन की बात करें तो ये 7 अपग्रेड अभी चल रहे हैं, यहाँ अभी कल सर आकर रुक जाएगा सी प्रॉम्प्ट पे। तो अभी तक हमारी सभी कमांड्स MGRT ये देखिए अपग्रेड होना डाउनलोड होना शुरू हो गया एग्जाम, और हमारा सिग्नी वेरीफाई ने बताया कि हमारे पास कितने गलत सर्टिफिकेट डाउनलोड है। MRT से हमने मालवेयर फंक्शन को डिटेक्ट किया कि PC में कोई मालवेयर इन्फेक्शन तो नहीं है, तो अभी तक हमें कुछ फाउंड नहीं हुआ। 13 मिनट का समय लगेगा इसे पूरी तरह से रन होने में, इसी वीडियो में हम इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। क्लीन MGR से हमने ड्राइव सी को क्लीन किया, तो अभी तक क्लीनअप प्रोसेस में चल रही है, और विनगेट्स कमांड के जरिए हमने अपने जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी में लगे हुए हैं उनको अपग्रेड कैसे किया जाएगा वो आपको बताया, और ये सभी प्रोसेस हमने इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाए हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लीन सिग्नी वेरीफाई ने सिग्नेचर्स बता दिए, 3 सिग्नेचर्स हमने गलत डाउनलोड किए हुए हैं, हम उसके पाथ पे जाके उन्हें रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हमने मालवेयर डिटेक्शन को वायरस या कोई इन्फेक्शन हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं है, वो हमारा अभी तक स्कैनिंग में है, 13 मिनट लगेंगे उसे। और डिस्क क्लीन MGR से हमने जो कमांड लगाई थी उसने लगभग 70% हमारे पीसी को क्लीन अप कर लिया है, और विनगेट्स अपग्रेड से हमने पता किया कि 7 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके नए वर्जन आ गए हैं, और उसी कमांड पे आल वर्जन माइनस आर लगाकर हमने सारे सॉफ्टवेयर को कमांड दे दिया कि वो अपग्रेड हो जाए, जिसमें से आप स्क्रीन पर देख सकते हो एक अपग्रेड भी हो गया है सक्सेसफुली। तो जो टाइम्स लग रहा है वो वीडियो के अंदर आपके सामने है। इसके साथ ही हम आपको एक और भी कमांड देते हैं, अगर हमारे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्युइन लगा हुआ है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, पर आप एक तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनको भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा कमांड है, वो हम आपको दिखा देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको पावर सेल में जाना है और पावर सेल में जाने के बाद आपको दोबारा लगा दें IRM। प्रत्येक कमांड हम आप इसको अपनी वीडियो में आपको लाइव दिखा रहे हैं, तो लगाने के बाद क्या एरर आ रही है वो भी लाइव आपके सामने है। अगर वो कमांड सक्सेसफुल लगती है तो भी आपके सामने, और अगर आप विंडो को चेक करना चाह रहे हैं तो एक नंबर दबाएं विंडोज के लिए परमानेंटली, और दो नंबर दबाएं ऑफिस के मशीन के लिए, इस कमांड के लिए आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सभी कमांड्स हमने आपको दिखा दिया है और जो रिजल्ट्स हैं इस कमांड का हमने आपको दिखा दिया। हमारी विंडोज ऑफिस जो एक्टिवेटेड है तो वो आपके सामने थे, और नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं, और बाकी की कमांडें हमारी कंटिन्यू चल रही है, इनके रिजल्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको पोस्ट कर देते हैं, रिजल्ट आने पे इसी वीडियो में हम आपको अभी रिजल्ट भी दिखाएंगे इन तीनों को, दोनों ये अपग्रेड होगा और ये जो क्लीनअप हो रहा है और ये जो MRT कमांड है, और ये सारी कमांड्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिखा देंगे, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं।